बहुत अच्छा रहा, बहुत इमोशनल मोमेंट था. एवरीबडी फेल्ट इमोशनल बिकॉज ही गेव सो मच ऑफ टाइम एंड ही टॉक्ड अबाउट आवर गुरुज एंड देन ही वोर अ टर्बन. सो दैट वॉज वेरी वेरी इमोशनल फॉर द सिख कम्युनिटी. आई थिंक प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर से जितने भी सिख नुमाइंदा लोग आए थे उनके साथ इतना समय व्यतीत किया है. सद्भावना की बात हुई है, देश की प्रगति के लिए बात हुई है और आने वाले समय में देश अमृतकाल में जा रहा है. जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक नया एक विज़न दिया है, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा इवेंट शायद पहली बार हुआ है और जितना विशाल हृदय हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है सिखों के लिए, इससे बड़ी सद्भावना की मिसाल नहीं हो सकती. ये जो प्रधानमंत्री ने स्टेप लिया है सिखों को, जो आज हमको इन्होंने जो एक रिस्पेक्ट और एक जो प्यार दिया है, ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है. आने वाली पीढ़ियों में सिख इतिहास में दिस विल बी वन ऑफ द गोल्डन पीरियड वेयर द प्राइम मिनिस्टर हैज़ येट अगेन प्रूवन दैट फॉर द सिख्स हाउ क्लोज ही फील्स फॉर अस, हाउ क्लोजली ही लव्स अस फ्रॉम दिस कोर ऑफ द हार्ट टू इंश्योर दैट दिस कम्युनिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ग्लोबल इंडिया विच वी आर इन मेकिंग. ये एक आई थिंक ऐतिहासिक मूवमेंट कह सकते हैं इसको. हम सब सिख लोग एक साथ जो आज इकट्ठा हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों से, और बहुत एक अच्छी फीलिंग थी. और जैसे कि जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेके अभी तक सिखों के लिए जो काम किया है वो किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, तो उनके दिल में जो प्यार है हमारे प्रति वो एक अच्छा लगता है कि कोई हमें इतना प्यार देता है तो हम भी बदले में उनको प्यार ही देंगे. सिखों को बुलाया, सिखों को इज्जत दी और प्रधानमंत्री आप खुद भी बहुत अच्छे लग रहे थे. उन्होंने पगड़ी बांधी हुई थी और पंजाबी लिबास में थे. बहुत अच्छा लग रहा था उनको देख के. हर कल्चर को वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, हर कल्चर के साथ उसको जानने की भी कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ जुड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं. कम्युनिटी की हेल्प के लिए हो चाहे कोई कुर्बानी के लिए हो, वो हमारा सारा सिख धर्म इसमें भरा पड़ा है. उसके लिए प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र किया, उसके लिए उन्होंने जो 400 साल पे लाल किले में एक फंक्शन किया वो भी बहुत प्राउड वाली बात है. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने सद्भावना इवेंट ऑर्गेनाइज करने की अनुमति दी और दुनिया भर से सिख यहाँ पे आकर इकट्ठे हुए. और प्रधानमंत्री से मिलके हमेशा बहुत अच्छा लगता है और उनकी जो बातें होती हैं बहुत इंस्पायरिंग होती हैं. जो उन्होंने कहा आखिर में बहुत इंस्पिरेशनल था और हम सबको प्रेरणा मिली कि जिस मेहनत और शिद्दत से हम लोग अभी तक नेशन बिल्डिंग करते रहे हैं, आगे भी ऐसे करते रहेंगे तो ये देश किसी से पीछे नहीं रह सकता. आई वॉज शॉक्ड द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन जो मोदी साहब ने किया है सिखों के लिए, एंड इट्स वे वेरी ग्रेटफुल. देखो 1984 एक बहुत सेंसिटिव इशू है NRI सिख्स के लिए. उसके लिए जब मैंने गूगल किया इतनी वीडियोस उसके ऊपर है फॉर मिस्टर मोदी प्रोवाइडिंग जस्टिस आफ्टर 30 ईयर्स फॉर द फैमिलीज. ब्लैक लिस्ट को अबॉलिश करना, 314 नाम थे, 312 नाम उसके ऊपर डिलीट करा देने, अलाउिंग दम पीपल टू कम बैक टू इंडिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सिखों के लिए. करतारपुर कॉरिडोर खोलना, ऑल इन हीज टेन्योर, दिस इज सो ग्रेट. वेयर यू नो इट्स एन ऑनर टू बी हियर. ये जो सद्भावना वाला माहौल था ये बहुत अच्छा लगा हमें, और इससे जो टोटल सिख कम्युनिटी की जो उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं जो उन्होंने देश के लिए समाज के लिए किया वो भी सामने आई. और उन्होंने जो मोदी जी ने किया है पंजाबी समाज के लिए, सिख समुदाय के लिए, विशेष तौर पे वो करतारपुर साहब का लांगा और जो अभी गुरु तेग बहादुर जी का लाल किले से जो प्रोग्राम हुआ, सो इस तरह से वो सारी बातें सिखों को बहुत अच्छी लगी. दास वालों साहबजादा बाबा फतेह सिंह ताना दल जथेबंदी वालों देश के प्रधानमंत्री साहबान उन्होंने पूरी टीम सारे संसार न इस गल की बधाई देता हूँ कि उन्होंने 400 साल गुरु तेग बहादुर तिलक जंजू राखा प्रवतान का किनो बडो कलू मैं साका धर्म हित साका जिन किया सीस दिया पर सिर ना दिया. धन गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी का 400 साल प्रकाश गुरपुरब मना करके लाल किले से धनता दे योग बने हैं. दास साहबजादा बाबा फतेह सिंह ताना दल जथेबंदी वालों प्रधानमंत्री साहबान का उन्हों की समुची टीम का धन्यवाद करदा. It talks about seva. It talks about the fact in our Gabani teachings about naam japo, kirat karo, divan chako. And we see ki jere Prime Minister ne, he has had a chance to practice not only believing
in the values and the teachings of our Gurujis, but he has had the opportunity to really ensure that he practices that on a day-to-day basis. So to Prime Minister Modi ji, on behalf of all Sikhs from all over the world, we want to say thank you for listening and thank you for ensuring that you continue your seva for so many of the issues that are important to Sikhs all over the world.